बुलंदशहर के खुर्जा में 30 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या, बिस्तर में पड़ा मिला शव। महिला के पति ने गांव के 2 लोगों पर लगाया गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप। पुलिस का दावा, मृतका से मुख्य हत्यारोपी जोनी के थे अवैध संबंध। पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र की घटना। मेरी पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। कौन कौन लोग थे? जोनी और विक्रांत। किस तरह से देखा गया है? बड़े वाले भाई ने देखा रात को 12 बजे मेरे गेट के सामने। अच्छा। ये ट्यूबवेल चलाने गए थे, धान में पानी, धान लगे हुए तो उनमें पानी चल रहा है ट्यूबवेल। अच्छा। फिर ये उसके बाद वो ये आए तो इन सब ये इन्होंने पूछा उससे विक्रांत से कि तू से झगड़ा कर, मैं अमृत को चलो, मैंने कर दिया वो ना यहाँ पे। उसके बाद ये दोबारा ट्यूबवेल चलाने गए हैं 1:30-2 बजे के आसपास, फिर वो जोनी खड़ा हुआ मिला है यहाँ, तो इन्होंने पूछा कैसे खड़ा, क्या वैसे ही खड़ा हुआ हूँ, ये मामला था। तो किस तरह से हत्या हुई है फिर उनकी? गला दबाया, क्या करा? और कॉल भी करी है। गला दबाया, कॉल भी करी है, कॉल भी करी है, कॉल करी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।